लेडीज एंड माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। दिशाज रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि हम लोग कैसे रीजनल रेसिपीज वगैरह देख रहे थे। बीच में हम लोगों ने डाला था सप्तशृंगी का व्लॉग, जिसे आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया, सबको बहुत पसंद आया वो व्लॉग। तो ऐसे ही एक हम लोग एक न्यू सीरीज़ लेके आ रहे हैं। तो अभी हम लोग जैसे रीजनल रेसिपीज़ देख रहे हैं, वो भी कंटिन्यू हम लोग करेंगे, लेकिन इसके बीच में हम लोग देखने वाले हैं केक सीरीज़। तो आज से हम लोग केक सीरीज़ चालू करेंगे, लेकिन हम लोग कैसे करेंगे पहले हम लोग एक केक का वीडियो देखेंगे, एक केक के लिए हम लोग वीडियो डालेंगे। उसके बाद दो जो हमारे रीजनल रेसिपीज़ है वो भी कंटिन्यू होने वाले हैं। तो पहले एक अभी हम लोग आज देखने वाले हैं कि जो हाउसवाइफ है, जो कभी कभी केक बनाते हैं, जिनकी हॉबी है, जो लोग बिजनेस नहीं करते हैं लेकिन उनको केक्स वगैरह बनाना बहुत पसंद है, सिर्फ ओकेजनली वगैरह किसी का बर्थडे हो ऐसे ही सबको, अगर किसी को केक खाना पसंद हो तब भी वो केक बनाते हैं, उनके लिए आज हम लोग केक के लिए कौन सा सामान हमको लेना चाहिए और कौन से रेट में वो मिलता है, वो सब आपके साथ में डिस्कस करने वाली हूँ। तो आज हम लोग उसी के साथ जाने वाले हैं, लेकिन आज हम लोग वो रेसिपी देखने के बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से हमारी जो ओरिजिनल रेसिपी है वो लेके आने वाले हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा, लेकिन ये वीडियो हम लोग 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट। जैसे हम लोगों ने मटर की रेसिपीज देखी थी, जो हम लोगों ने सीजनल मटर्स के जो रेसिपी देखे थे, उसी तरह से हम लोग ये देखने वाले हैं। तो पार्ट वन अभी मैं आपको दिखाने वाली हूँ पार्ट वन में, कि कौन से जो इंग्रेडिएंट्स है, कौन से मटेरियल हमको केक के लिए चाहिए, और सिर्फ हाउसवाइफ हो तो कौन से हम लोगों को उसमें वैरायटी खरीदनी चाहिए, वो सब मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। सो लेट्स बिगिन अप विद द वीडियो। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सब ये जो सारा सामान है केक का जो मैंने अभी अभी आपको बताया, तो ये सारा मैंने अभी लाया है। लेकिन जो भी अगर घर पे बनाना चाहते हैं, प्रोफेशनली नहीं चाहिए उनको, तो सिर्फ कौन सा सामान आपको यूज़ करना है, कौन से कलर, कौन सा इसेंस आपको यूज़ करना है, वो सभी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो एक एक चीज़ हमको किस तरह से यूज़ होने वाली है और उसकी प्राइस क्या है, ये सब हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो अभी हमें केक किस में बनाना है वो हम लोग देखते हैं। अगर आपके पास OTG वगैरह, अगर ओवन वगैरह नहीं है, माइक्रोवेव, तो इस तरह से बड़ी वाली जो कढ़ाई रहती है बड़े साइज़ की, वो आपको लेनी है। वो आपके केक के साइज़ पर डिपेंड करता है। तो ये वाली मैंने ले ली है। और उसके बाद इसे जो स्टैंड रहता है, जो हम लोग रोज़ हमारा यूज़ रहता ही है इसका, जो भी हम लोग गरम कढ़ाई वगैरह रोज़ के यूज़ में जो यूज़ करते हैं, वो यहाँ पे हम लोग डालेंगे। इसके ऊपर हम लोगों को ऐसे, अगर हमारा केक का टीन है तो हमें इस पर रखना है ऐसे, इस तरह से। और ये मैंने एक बड़ी प्लेट ली है जो पूरा हमारे जो कढ़ाई को है वो बिल्कुल कवर कर लेगी, बिल्कुल भी हमें ओपन नहीं रखना है, ताकि इसकी जो स्टीम वगैरह है वो नीचे से निकले। तो अच्छे से ये कवर हो गया है। तो एक ही आपको प्लेट डिसाइड कर लेनी है कि जो आपके पूरे कढ़ाई को कवर कर लेगी, ठीक है। तो ये हो गया हमको केक किस में बेक करना है वो। तो अब बढ़ते हैं हमारे प्रीमिक्स की तरफ। तो ये देखिए, ये है हमारा चॉकलेट प्रीमिक्स और ये है वैनिला प्रीमिक्स, ये दोनों तरह के हैं। इसमें हमें रेड वेलवेट का भी प्रीमिक्स मिलता है, लेकिन वो हमारे जो रोज़ हम लोग यूज़ करते हैं, अगर आपको नॉर्मली घर पे केक बनाना है तो वो कुछ यूज़ का नहीं है। तो ये देखिए, ये जो प्रीमिक्स है, चॉकलेट प्रीमिक्स, ये मैक्स टू मैक्स आपको 100 रुपीज़ हाफ के जी मिल जाता है। ये 100 रुपीज़ का हाफ के जी है। और ये है वैनिला प्रीमिक्स, ये आपको 90 रुपीज़ का हाफ के जी मिल जाता है। इसमें अगर आपको बड़ा वाला चाहिए तो ये भी आपको डीमार्ट वगैरह जाओगे आप तो इसमें से 5 के जी के जो पैकेट्स रहते हैं वो भी आपको वहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं, और वो भी रिजनेबल रेट में। तो ये दोनों प्रीमिक्स हो गए। अभी देखते हैं अगला क्या है। तो ये देखिए, ये है हमारे मेजरिंग कप्स, जो मैदा वगैरह हम लोग मेजर करने वाले हैं, बिल्कुल उसी के लिए ये यूज़ होते हैं। ये अलग अलग टाइप्स के, अलग अलग जो हमारे मेजरिंग रहता है वो यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। तो ये देखिए, ये 8 पीसेस का जो है मेजरिंग वो आपको मिल जाता है। तो ये 8 पीसेस का है, ये मैंने 70 रुपीज़ में लिया है, लेकिन आप अगर ऑनलाइन लोगे तो ये बहुत ही महंगा जाता है, 200-250 रुपीज़ में मिलता है। लेकिन अगर आप केक शॉपिंग में वगैरह इसको खरीदोगे तो ये आपको बिल्कुल 70-80 रुपीज़ में मिल जाएगा।
तो जैसे मैंने आपको वो मेजरिंग कप्स दिखाए, तो एक ये है मेजरिंग ग्लास। मेजरिंग कप्स सिर्फ अभी हम लोग जब भी मैदे का वगैरह केक बनाते हैं तब भी यूज़ होता है, लेकिन ऑलमोस्ट अभी सब लोग प्रीमिक्स का ही केक बनाते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो आप, ये है मेजरिंग ग्लास। तो यहाँ पे सब मेजरमेंट्स दिए हुए हैं, आउंस है, लीटर है, जो रवा ग्राम्स रहता है वो है, शुगर, चना ग्राम फ्लोर, मैदा ग्राम्स और राइस ग्राम्स, ये सब सारे यहाँ पे लिखा हुआ रहता है। और नंबर वाइज जैसे आपको जितना ग्राम्स आपको यूज़ करना है उस तरफ उसी हिसाब से आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। तो ये है मेजरिंग ग्लास और ये मैक्स टू मैक्स 25 to 30 रुपीज़ में आपको मिल जाता है। तो ये देखिए, ये है हमारे राउंड शेप के जो मोल्ड्स रहते हैं वो। तो ये हम लोग 1/2 kg और 1 kg केक के लिए बनाते हैं। तो ये है 1/2 kg का 8 inches। तो आप शेप्स वगैरह देख सकते हो इसका, ये थोड़ा छोटा है और ये थोड़ा सा बड़ा है, ये है 10 inches का। तो ये दोनों मैंने 230 रुपीस में ख़रीदे थे। इसका 3 का भी सेट आता है, लेकिन अगर आपको उतना नहीं चाहिए, अगर आपको सेपरेटली चाहिए तो भी आपको वो अलग अलग प्राइस में मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। उसके बाद सेमली आता है हार्ट शेप का केक मोल्ड। तो ये भी 1/2 kg 8 inches और 1 kg 10 inches का आता है। तो ये देखिए, ये भी मैंने दोनों भी 230 रुपीज़ में ख़रीदा था। तो ये भी अगर आपको सेपरेटली चाहिए, 1/2 kg का सिर्फ 1/2 kg का चाहिए, नहीं तो सिर्फ 1 kg का चाहिए, तो भी आपको ये अलग अलग प्राइजेस में मिल जाता है। लेकिन अगर आप सेट ही लेते हो तो आपको अच्छा होगा, रिजनेबल प्राइस में आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाता है। और ये है हमारा डॉल शेप का मोल्ड। तो यहाँ पे देखिए, ये है डॉल शेप का मोल्ड। तो ये मैंने 150 रुपीज़ में ख़रीदा था, ये है 1 kg का। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप 1/2 kg का इसमें ना लें, क्योंकि अगर आपको 1/2 kg का इसमें केक बनाना है तो आप बना सकते हो, लेकिन अगर आप 1/2 kg का मोल्ड इसमें लोगे तो आप 1 kg का नहीं बना सकते। तो ये 1 kg का ही आप प्रेफर कीजिए, क्योंकि अगर आप उसमें बैटर वगैरह थोड़ा सा कम डालोगे तो 1/2 kg का भी केक आपका इसमें बन सकता है और 1 kg का भी। तो देखिए, तो ये भी 150 रुपीज़ में मैंने ख़रीदा है। उसके बाद ये देखिए, ये है डॉल, जो हम लोग डॉल केक वगैरह जो होता है ना उसके लिए हम लोग जो यूज़ करते हैं, ये बड़ी वाली डॉल है जो 1 kg वगैरह केक हम लोग बनाते हैं उसके लिए ये यूज़ होता है। इसके अलावा एक छोटी भी डॉल रहती है, वो 40 to 45 रुपीज़ में मिलती है और ये मैंने ख़रीदी है 80 रुपीज़ में। तो ये भी आप जब भी आपको डॉल केक वगैरह बनाना है तो भी तभी आप इसे ख़रीद सकते हो। उसके बाद ये है मफिन्स, जो हम लोग छोटे छोटे कप केक्स वगैरह बनाते हैं, मफिन्स वगैरह बनाते हैं उसके लिए छोटे कप्स हम लोगों को मिलते हैं। तो ये अगर आप छोटे छोटे बच्चों के लिए कभी कभी बनाते रहोगे छोटे मफिन्स कप केक्स वगैरह, तो अब इसका भी एक मोल्ड होता है छोटा वाला, अगर वो भी आप लाओगे वो भी साथ कम से कम आपको 100 to 120 रुपीज़ में मिलता है। और ये मैंने ख़रीदे हैं 20 रुपीज़ में मैंने इसको 30 जो मोल्ड्स है 30 मोल्ड्स इसमें आते हैं 20 रुपीज़ में, वो मैंने इसको ख़रीदा था। तो ये हो गए हमारे मफिन्स के मोल्ड्स। और ये है रोज़ पेटल्स। तो रोज़ पेटल्स भी हम लोग जब भी हमारा वैनिला फ्लेवर का केक होता है, नहीं तो मोस्टली अभी जब भी रसमलाई केक्स वगैरह हम लोग बनाते हैं, मोस्टली रसमलाई केक्स के लिए ये रोज़ पेटल्स हमें यूज़ होते हैं। इसका भी कोई मेजरमेंट वगैरह नहीं होता है, बस इसके छोटे छोटे पैकेट्स आते हैं। तो ये मैंने जो पैकेट है वो मैंने 35 रुपीज़ में ख़रीदा था। ये रोज़ पेटल्स भी हमें अगर जब भी आप रसमलाई केक वगैरह ट्राई कर रहे हो, कुछ अलग आपको पूरा प्लेन रोज केक वगैरह है, रोज़ फ्लेवर का आप केक बना रहे हो, तब भी आपको ये यूज़ होगा। तो ये हो गए हमारे, ये डॉल केक के लिए डॉल, ये मफिन्स और ये है रोज़ पेटल्स। उसके बाद बढ़ते हैं कुछ शुगर बॉल्स की तरफ। तो आप ये दे सकते हो, ये मल्टी कलर्स के शुगर बॉल्स है, ये 30 रुपीज़ में पैकेट मैंने ख़रीदा था। इसमें व्हाइट कलर के है, गोल्डन कलर के है और पिंक कलर के है। अगर आपको सेपरेट सेपरेट चाहिए तो वो भी आपको मिल जाते हैं, अलग अलग मेजरमेंट्स रहता है उसका और अलग अलग प्राइजेस में आपको वो अवेलेबल हो जाते हैं। तो ये देखिए, ये है स्प्रिंकल्स, जो डेकोरेशंस वगैरह के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो ये गोल्डन कलर का स्प्रे, ये 25 ग्राम्स का रहता है, ये मैंने 350 रुपीज़ में ख़रीदा है। अगर आप अलग अलग कंपनी का यूज़ करोगे तो प्राइस भी थोड़ी सी ऊपर नीचे हो सकती है। तो ये है गोल्डन कलर का और ये है
सिल्वर कलर का, ये भी मैंने 350 रुपीज़ में ख़रीदा है, ये भी 25 ग्राम है। लेकिन अगर ये एक बार ख़रीद लेते तो ये बहुत सारे केक आप यहाँ पे बना सकते हो, बहुत सारे केक्स इसमें आप बनाकर रेडी कर सकते हो, क्योंकि थोड़ा सा अगर आप स्प्रिंकल करोगे तो बहुत अच्छा हमारे केक का जो डेकोरेशन है वो हो जाएगा। और ये है गोल्डन ड्रिप्स, जो जो हम लोग ट्रफल केक वगैरह, चॉकलेट ट्रफल केक वगैरह जो बनाते हैं, बिल्कुल उसी के लिए हम लोग ये यूज़ करते हैं। तो ये देखिए, ये मैंने ख़रीदा है 150 रुपीज़ में, ये है 100 ग्राम। तो जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप अलग अलग कंपनी के भी ड्रिपिंग्स यूज़ कर रहे हो तो अलग अलग रेट से आपको थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा। तो ये है न्यूट्रल जेल, तो न्यूट्रल जेल है ये, तो न्यूट्रल जेल इसी के लिए यूज़ होता है, जो जेल केक्स वगैरह हम लोग बनाते हैं बिल्कुल शाइन वगैरह उसको आता है, तो ये जो जेल है न्यूट्रल जेल उसी का काम करता है। मतलब फोटो केक में वगैरह जो ऊपर से हम लोग जेल लगाते हैं वो न्यूट्रल जेल होता है। तो ये मैंने छोटा सा ये टिन रहता है, उसका भी साइज़ उनके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन से कंपनी का कैसे यूज़ करते हो। तो यहाँ पे मैंने ये 40 रुपीज़ में ख़रीदा है। इसके अलावा एक केक जेल भी आता है, जो जो हम लोग मैदे का केक वगैरह बनाते हैं बिल्कुल उसी के लिए। तो वो जो केक जेल रहता है वो जो केक की स्पैम है, मतलब उसका जो लाइफ टाइम है वो बढ़ाने के लिए रहता है। यानी कि अगर आप केक 2 से 3 दिन तक अच्छे से उसको रखना है, आपको टिका के रखना है फ्रिज में वगैरह, तो उसके लिए वो केक जेल भी आता है। लेकिन अभी मोस्टली वो यूज़ नहीं होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग प्रीमिक्स का ही केक्स बनाते हैं। तो अगर आप उसको नहीं यूज़ करोगे तो भी कोई बात नहीं, सिर्फ अगर आप ये न्यूट्रल जेल यहाँ पे यूज़ करोगे तो भी चलेगा। तो ये है न्यूट्रल जेल, जैसे मैंने आपको बताया, ये मैंने 40 रुपीज़ में ख़रीदा है। तो उसके बाद ये है पीनाटा मोल्ड, जो डायमंड शेप का है। तो ये आप देख सकते हो किस तरह का है, ये बिल्कुल ऐसे जैसे रबर वगैरह रहता है ना, बिल्कुल ऐसे सिलिकॉन में आता है, जो मतलब आप अगर डायमंड शेप या हार्ट शेप में वगैरह बनाना चाहते हो तो ये होता है पीनाटा मोल्ड। तो ये पीनाटा मोल्ड मैंने ख़रीदा है 320 रुपीज़ में। अगर आप अलग अलग टाइप्स के खरीदोगे थोड़ा सा राउंड शेप में वगैरह, तो उसका प्राइस भी थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन अगर आपको इस तरह का सिलिकॉन का नहीं मिला पीनाटा मोल्ड, तो इस तरह का जो मिक्सिंग बाउल रहता है इसमें भी छोटा बड़ा साइज़ आता है, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो। इससे भी आप अच्छे से बड़े साइज़ का पीनाटा वगैरह बना सकते हो, बड़े साइज़ का अगर आप डार्क कंपाउंड अच्छे से इसमें मिलाओगे और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से आप लोग इसमें डालोगे तो राउंड शेप का आपका पीनाटा मोल्ड इसमें भी तैयार हो सकता है। लेकिन अगर आप सिलिकॉन का ही लोगे तो अच्छा होगा, क्योंकि ये जो हार्ट शेप का है इसमें राउंड शेप का भी आपको अवेलेबल हो जाता है। उसका भी प्राइस थोड़ा सा 300-250 के बीच में आपको मिल जाएगा, लेकिन सिलिकॉन का ही खरीदो, क्योंकि उसको अनमोल्ड करने में वगैरह आपको बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। तो ये है पीनाटा मोल्ड डायमंड शेप का, जैसे मैंने आपको बताया, ये मैंने ख़रीदा है 320 रुपीज़ में। तो ये है हमारा जो ब्रेड कटर रहता है, वो ब्रेड नाइफ भी इसे कहा जाता है। तो ये देखिए, बहुत ही अच्छे से इसका जो हम लोग जो बेस वगैरह कट करते हैं केक के, जो लेयर्स निकालते हैं उसके लिए ये यूज़ किया जाता है। बहुत ही अच्छा शार्पनेस इसको रहता है, तो आप ये देख सकते हो। तो ये बहुत ही साइज़ में बड़ा रहता है, ताकि ये इजीली हमारे जो बेस को कट कर सके। तो ये मैंने ख़रीदा है 150 रुपीज़ में। इसमें आपको साइजेस भी मिल जाते हैं, छोटे बड़े जैसे आपको चाहिए वैसे। और ये है पैलेट नाइफ, जो हम लोग बिल्कुल जो हम फिनिशिंग वगैरह देते हैं ना केक को, उसी के लिए ये यूज़ होता है। तो ये भी मैंने ख़रीदा है 100 रुपीज़ में। तो ये बड़ा वाला पैलेट नाइफ है। अगर आपको छोटे छोटे चाहिए, छोटा आपको थोड़ा सा अगर उसको फिनिशिंग देना है, छोटे केक्स आप लोग बना रहे हो तो आप ये यूज़ कर सकते हो। तो ये तीनों का सेट रहता है, ये तीनों का सेट मैंने 140 रुपीज़ में ख़रीदा है। अगर आप घर पे ही वगैरह यूज़ करना चाहते हो, घर के लिए केक्स बनाना चाहते हो, तो आप इस तरह के पैलेट नाइफ भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। उसके बाद ये है एक विस्कर, जो बैटर हम लोग बनाते हैं, जो गुठलियाँ वगैरह उसमें नहीं बननी चाहिए हम लोग जैसे बोलते हैं, तो उसी के लिए ये यूज़ होता है। मोस्टली मैदा वगैरह जब भी हम लोग बेस के लिए बनाते हैं, मैदे का जो स्पॉन्ज बनाते हैं हम लोग, उसी के लिए ये मोस्टली यूज़ होता है। तो ये मैंने लिया है 150 रुपीज़ में, ये पैलेट नाइफ लिया है 100 रुपीज़ में। उसके बाद ये जो सेट मैंने आपसे बताया,
तो ये है 140 रुपीज़। ये आपके जो प्राइस है मार्केट के हिसाब से आप ऊपर नीचे भी थोड़ा बहुत हो सकता है। और ये मैंने लिया है 40 रुपीज़ में। ये भी आप साइजेस के ऊपर रहता है, छोटी साइज़ अगर आप लेते हो तो उस हिसाब से रेट रहेगा, बड़ा लेते हो तो उस हिसाब से भी रेट रह सकता है। तो ये है हमारा मिक्सिंग बाउल, जो हम लोग केक वगैरह क्रीम वगैरह जो बनाते हैं वो, इसके साइज़ का भी एक ऊपर का रहता है, ये थोड़ा सा छोटा है, इससे भी बड़ा एक रहता है, मतलब उसके 2-3 का सेट रहता है। तो और ये है हमारा ब्रश, जो हम लोग ऑयलिंग वगैरह बेस को करते हैं, जो हमारे जो मोल्स रहते हैं उसको हम लोग ऑयलिंग करते हैं, तो उसके लिए ये यूज़ होता है। तो ये मैंने लिया है 40 रुपीज़ में। और ये है मिक्सिंग बाउल, इससे बड़ा भी होता है। तो ये दोनों का जो सेट है मिक्सिंग बाउल का, तो वो आपको 230 रुपीज़ में पड़ता है, लेकिन रेट्स भी अलग अलग हो सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप अलग अलग मार्केट की तरफ से अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से उसका नेट थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये है हमारे कंपाउंड्स, तो ये इसमें चॉकलेट कंपाउंड, डार्क कंपाउंड और वाइट कंपाउंड, ये तीन तरह के कंपाउंड्स हमें मिलते हैं। तो जो मोस्टली हमें यूज़ करना होता है वो है डार्क कंपाउंड और वाइट कंपाउंड। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप मोल्डे के जो कंपनी के जो है ये वाइट कंपाउंड्स और डार्क कंपाउंड यही आप यूज़ कर कीजिए, क्योंकि उसकी क्वालिटी भी बहुत ही बेटर है। तो मोल्डे का ही मोस्टली आप यूज़ कीजिए, क्योंकि इसके प्राइजेस भी बहुत ही रिजनेबल है। तो आप ये देखिए, ये है डार्क कंपाउंड, तो उसकी प्राइस है 85 रुपीज़। तो मैंने जैसे आपको कहा कि मार्केट के हिसाब से भी ऊपर ज़्यादा हो सकते हैं रेट्स, 5-10 रुपीज़ थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है। तो ये है वाइट कंपाउंड, ये हमको मिलता है 150 रुपीज़ में, लेकिन मैंने इसे ख़रीदा है 140 रुपीज़ में, क्योंकि प्रिंट प्राइस कैसे भी हो लेकिन मार्केट के हिसाब से आपको वो रेट्स लगते हैं, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है कि आप वो कौन से रेट्स के, कौन से मार्केट में आप जाके ये ले रहे हो। अगर होलसेल का वगैरह दुकान आप केक का चूज़ करते हो, जहाँ पे सब सामान सिर्फ केक का ही मिलता है, वहाँ पे आपको ये बहुत ही रिजनेबल रेट्स के मिलेंगे। और उसके बाद ये है मेरे पास अमूल की फ्रेश क्रीम, ये हमको जो पीनाटा वगैरह हम लोग बनाते हैं उसी के लिए हमें यूज़ होता है। तो ये है 250 ml, ये मैंने 60 रुपीज़ में ख़रीदा है। और आपको इसका ध्यान रखना है कि ये जो फ्रेश क्रीम है अमूल की, ये आपको सिर्फ 2 दिन में यूज़ करनी है, 2 डेज़ के आफ्टर आपको इसको यूज़ नहीं करना है, बस 2 दिन में आपको ये यूज़ करके बिल्कुल ख़त्म कर देना है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे कंपाउंड्स, कौन से यूज़ करने हैं हमको, कौन से कंपनी के यूज़ करने हैं और इसके प्राइजेस क्या है। उसके बाद अभी हम लोग बढ़ते हैं नोजल्स की तरफ, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ये देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हो कि मेरे पास सिर्फ कुछ जो मेन टाइप्स के नोज़ल्स है वही है मेरे पास। नहीं तो बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं कि जो पूरा पैकेट वगैरह नोज़ल का है वो ख़रीद लेते हैं, लेकिन आपको भी बिल्कुल ऐसी गलती नहीं करनी है। जो मेन नोज़ल्स हमको लगते हैं वही हमको यहाँ पे यूज़ करने हैं। तो मैं आपको बताती हूँ कि कौन से नोज़ल्स हमें यूज़ करने चाहिए। जो घर पे केक्स बनाते हैं, जो होम हाउसवाइफ वगैरह है, जो सिर्फ उनको अच्छा लगता है, जो पसंद करते हैं केक्स बनाना, उनके लिए ये है। तो ये देखिए, ये है लीफ नोज़ल, जो लीफ्स वगैरह बनाने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं वो, ये लीफ नोज़ल है। उसके बाद ये है जो बड़े फ्लावर्स हम लोग डॉल केक के लिए वगैरह बनाते हैं, इसके ऊपर इसका मेजरमेंट भी लिखा होता है, ये है 1 ml का नोज़ल, 1 ml यहाँ पे लिखा होता है, तो ये 1 ml का नोज़ल है। और ये है ग्रास नोज़ल, जो ग्रास केक वगैरह के लिए यूज़ होता है, तो ये ग्रास नोज़ल है। अलग अलग टाइप से अलग अलग नोज़ल्स के अलग अलग प्राइजेस रहते हैं, ऐसे नहीं है कि अगर आप सारे ये नोज़ल्स ले रहे हो तो सारे नोज़ल्स की प्राइस एक ही होगी। तो ये कुछ 30-40 रुपीज़ में मिलता है, ये भी 30 रुपीज़ में मिलता है, ये है 25 रुपीज़, ये है लीफ नोज़ल। उसके बाद ये है नूर 21 इसलिए है, जो हम लोग छोटे साइजेस के जो रोज़ेस बनाते हैं, रोज़ यानी कि छोटे फ्लावर्स जो हम लोग केक के ऊपर बनाते हैं डेकोरेशन के लिए, वो इसका जो नंबर है वो नूर 21 है। तो आप जो मैं आपको बता रही हूँ, अगर आपको ये नोज़ल्स ख़रीदने हैं तो आप शॉपकीपर को बता सकते हैं कि नूर 21 1 ml वगैरह, वो आप उनको बोल के ये सारे नोज़ल्स ख़रीद सकते हो। तो ये है 124, यो तो यहाँ पे आप नंबर देख सकते हो, इस नोज़ल का नंबर है 124। ये है रोज़ नोज़ल, जो रोज़ बनाने के लिए हमें यूज़ होता है।
तो ये देखिए, ये है रोल्स का नोजल, और सबसे लास्ट में ये है बास्केट का नोजल, जो नंबर है इसका 36। तो 36 नंबर का नोजल रहता है, तो आपको ये ग्रास वगैरह जो हम लोग बास्केट केक वगैरह बनाते हैं बिल्कुल उसी के लिए ये यूज़ होता है। तो मैंने जैसे आपको कहा कि अलग अलग टाइप्स के नोजल अलग अलग रेट्स में आपको मिलते हैं, ऐसे नहीं है कि अगर आप ये सारे नोजल्स लोगे तो सेम प्राइस में आपको मिलेंगे। तो ये देखिए, सिर्फ आपको ये 5 से 6 नोजल है जो आपको खरीदने हैं, बिल्कुल पैकेट वगैरह खरीदने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप फिर से मेरा वीडियो देखकर कौन से नोजल्स मैंने आपको जो नाम बताए वो लिख के आप शॉपकीपर को बता सकते हो कि हमको सिर्फ यही नोजल्स चाहिए। ओके, तो बढ़ते हैं हम लोग अगले तरफ। तो ये देखिए, ये जो हमारे कंपाउंड्स वगैरह जो मैंने आपको दिखाया, वाइट कंपाउंड, डार्क कंपाउंड, प्रीमिक्स हो, या ये फ्रेश क्रीम जो मैंने आपको बताई कि ये 2 डेज यानी कि 2 दिन में हमको ये ख़त्म करनी है वो, और ये जो ड्रिपिंग्स रहते हैं ये गोल्डन कलर के हैं, इसमें भी अलग अलग कलर्स के ड्रिपिंग्स आपको मिलते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो सारा सामान है ये आपको रूम टेम्परेचर पे स्टोर करना है, बिल्कुल एयर टाइट कंटेनर हो या फ्रिज वगैरह हो उसमें बिल्कुल आपको ये स्टोर नहीं करना है। बस आप इसको मतलब 15 से 20 दिन तक आराम से आप इसे रूम टेम्परेचर पर स्टोर कर सकते हो, और जब भी आपको यूज़ करना है तभी आप नॉर्मली ये जो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पर रहोगे तो आप ये इसका इस्तेमाल आराम से कर सकोगे। तो गाइज, ये वीडियो था फर्स्ट पार्ट के लिए, यानी कि कौन से मोल्ड्स हमें यूज़ करने चाहिए, मतलब कौन से, अगर आपके पास OTG नहीं है, माइक्रोवेव नहीं है तो किस में हम लोगों को केक बेक करना है, और अगर आप होम बेकर्स हो यानी कि घर पे ही सिर्फ केक बनाते हो तो कौन से चीज़ें हम लोगों को यूज़ करनी चाहिए, मतलब अगर सारे मोल्ड्स आपको नहीं ख़रीदने हैं तो कैसे हम लोगों को ख़रीदना है, वो सारा मैंने आपके साथ डिस्कस किया। यानी कि हम लोग, मैंने जो आपको प्रीमिक्स वगैरह बताया कि प्रीमिक्स हमको किस तरह से यूज करने हैं, वो भी सारा मैंने आपके साथ डिस्कस किया। तो ये रहा था हमारा पार्ट 1। अभी पार्ट 2 हम लोग देखने वाले हैं, उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने वाली हूँ। तो पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि जो आप लोगों ने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे यूट्यूब पे कि कौन से केक के मटेरियल हमको चाहिए, लेकिन मैंने आपको इस तरह से बताया है कि सिर्फ जो हाउसवाइफ है, सिर्फ जो घर पे केक्स बनाते हैं, जिनकी सिर्फ हॉबी है, उन लोगों को कौन से केक मटेरियल ख़रीदने हैं। तो ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए। इसके अलावा हम लोग आगे आगे सिर्फ वैनिला का स्पॉन्ज कैसे तैयार करना है, चॉकलेट प्रीमिक्स का स्पॉन्ज कैसे तैयार करना है, सारे मैं आपके साथ स्टेप बाय स्टेप ये जो रेसिपीज़ है वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो बहुत सारा शेयर कीजिए वीडियो को, लाइक कीजिए, और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर दीजिए। तो ऐसे ही एक न्यू वीडियो के साथ हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।